ग्रेट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रत्नेश दास और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ टेंसेस के स्ट्रक्चर्स याद करने की वो शॉर्टकट ट्रिक्स, जिसका यूज करके बहुत सारे बच्चे जो कि 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, जो अभी फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में है, जिस एज में बच्चे सिर्फ ABCD या फिर अपना अल्फ़ाबेट के अलावा डे के नाम, नंबर्स वगैरह सीखते हैं, उस एज में वो बच्चे लोग इस ट्रिक्स का यूज करके ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी भी करते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स लोगों को इस वीडियोस के माध्यम से हेल्प मिल सके और मेरे चैनल्स को आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपको टेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि सभी के सभी टेंसेस में शुरू में सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। पहली बात क्या याद रखना आपको कि सभी के सभी टेंसेस में शुरू में सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद में आपको रूल नंबर 2 याद रखना है कि सभी इंडेफिनिट में, जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, सभी के सभी इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, केवल पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। फिर से रिपीट करता हूं, जितने भी इंडेफिनिट हैं सारे के सारे इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, केवल पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। ये आपके 2 रूल्स हुए। तीसरा रूल से कि जितने भी कॉन्टिन्यूस हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहे, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस रहे, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस रहे, जितने भी कॉन्टिन्यूस रहेंगे सारे के सारे कॉन्टिन्यूस में वर्ब में ING आता है। ये आपके हुए 3 रूल्स। चौथा यहाँ पर रूल है इसका कि जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, सारे के सारे परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। पांचवा आपको रूल से याद रखना है कि फ्यूचर में शैल विल हेल्पिंग वर्ब आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा तो भी शैल विल आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस रहेगा तो भी शैल विल आएगा, फ्यूचर परफेक्ट रहेगा तो भी शैल विल आएगा। और आपको 6 नंबर का इसका जो रूल से याद करना है वो ये करना है कि जितने भी टेंसेस है कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट में ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, इनको आपको कंटिन्यू याद करना है। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल। फिर से रिपीट करता हूँ, आपको याद रखे रखना है सारे के सारे कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट में ये हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल। इसमें से जो शुरू के 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, मतलब इज, एम, आर, ये काय की हो जाएंगी? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस की। इसके बाद की 2 हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी पास्ट कॉन्टिन्यूस की। कौन सी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी? वाज और वर। इसके बाद की जो 2 हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, ये काय की हो जाएंगी? ये होंगी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और इसके बाद में हैड, हैड हो जाएगी आपके पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसके अलावा शैल विल के साथ यदि हम शैल विल लिख रहे हैं तो वह हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगी, और शैल विल के साथ में बी लिख रहे हैं तो वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आएगी, और शैल विल के साथ में हम हैव लिख रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में आएगी। फिर से रिपीट करता हूं मैं आपको पूरे 6 रूल्स। पहला रूल आपको याद रखना है टेंस में शुरू में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। दूसरा आपको याद रखना है इंडेफिनिट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, केवल पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तीसरा आपको याद रखना है कॉन्टिन्यूस मतलब वर्ब में ING आएगा। चौथा आपको याद रखना है परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। पांचवा आपको याद रखना है फ्यूचर यानी शैल विल, कि फ्यूचर का जब भी बात होगी वहां पर शैल विल हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब ये हम जो है कुछ टेंसेस के हम स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। सबसे शुरू में हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, मान लीजिए। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है तो मैंने आपको कंडीशंस क्या बताया, सभी टेंस में शुरू में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो शुरू में हम लिख देंगे सब्जेक्ट, लास्ट में लिख देंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद में आपको बताया गया कि सभी कॉन्टिन्यूस में वर्ब में ING आएगा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या हो जाएगा, ये वर्ब में ING। और चूंकि हमने अभी शुरू में देखा कि इज, एम, आर आर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज, एम, आर। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ING प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट लिए सेम वही कंडीशन, सब्जेक्ट शुरू में, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसके बाद में परफेक्ट में आपको बताया गया वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो आप यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दें। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट की बात चल रही है तो हैज हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैड आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि अदर वर्ड है तो वहां पर अदर वर्ड भी जुड़ सकता है। इसी तरह से यदि आपसे पूछा जाता है कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बनाना है,
अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर के लिए फिर से वही बात, शुरू में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट और कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस यानी हमने क्या याद किया, वर्ब में आईएनजी, तो हम यहाँ पर लगा देंगे वर्ब में आईएनजी। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात चल रही है तो आपको बताया गया फ्यूचर में कि शैल विल हेल्पिंग वर्ब आती है तो शैल विल लगेगा, साथ में बी और लग जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ टेंथ ऑफ समरी। आप इस तरह से इसको यदि आप लगभग 10 से 12 बार आप इस वीडियोस को देखेंगे तो मेरा अपना विश्वास है कि आपको ये समरी आपके माइंड में बड़े इजीली आपके माइंड में फिट हो जाएगा और आपको स्ट्रक्चर से याद करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैसिव वॉइस की समरी क्या होती है या पैसिव वॉइस के हमको स्ट्रक्चर से याद नहीं हो रहे हैं तो उनको याद कर हम कैसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और मेरे चैनल रत्नेश चोलारी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।